बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई को बड़कागांव के महूदी में जिला प्रशासन और हिंदुओं के बीच हुई झड़प की घटना की जांच करने पहुंचा था। घटना की जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। डीजीपी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बताया कि महूदी गांव में पिछले 40 वर्षों से रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया गया है। इस मामले में वर्ष 2019 में उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ हुई वार्ता में रामनवमी झंडा के जुलूस के बदले तिरंगा झंडा निकालने पर सहमति बनी थी। वहीं इस बात का आश्वासन दिया गया था कि अगले वर्ष से रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कोविड के कारण जुलूस नहीं निकाला गया। उसके बाद से जब भी हिंदुओं ने रामनवमी का जुलूस निकालने का लाइसेंस मांगा तो जिला प्रशासन की तरफ से टाला गया। इस वर्ष भी महावीर झंडा हिंदुओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, लेकिन झंडा वापसी के समय जिला के CO, SDPO और SDM ने झंडा को वापस नहीं जाने दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। महावीरी झंडा की वापसी के लिए ग्रामीण शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। इसी दौरान जिला प्रशासन ने मुहर्रम जुलूस को हिंदू क्षेत्र से पार कराने के लिए धरना दे रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कई बेकसूर हिंदुओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में मुगल और अंग्रेजों ने भी यह काम नहीं किया, वो आज JMM, कांग्रेस और राजद की सरकार ने कर दिया है। भारत आजाद है और यहाँ हर किसी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। राज्य सरकार की यह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में JMM, कांग्रेस और राजद की सरकार आई है, तब से एक विशेष समुदाय को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए वोट की राजनीति करने के लिए तुष्टिकरण कर रही है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि राज्य में शांति व्यवस्था और आम लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में कई क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि यज्ञ यात्रा के दौरान मुसलमानों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। इस मामले पर FIR भी दर्ज किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक राजनीतिक जुलूस पर भी मुसलमानों द्वारा हमला किया गया, लेकिन उसे पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि महूदी के हिंदू पक्ष को रामनवमी जुलूस निकालने का लाइसेंस अविलंब दिया जाए। महूदी घटना में संलिप्त CO, SDPO, SDM को अविलंब बर्खास्त किया जाए। आंदोलन के क्रम में हुए मुकदमों को वापस लिया जाए। पाकुड़ के तारानगर इलाही बस्ती में विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव में हुई घटना में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलिस्तानी झंडा दिखाने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, राजमहल विधायक अनंत ओझा, जमुआ विधायक केदार हाजरा, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, सिमरिया विधायक किशुन ठाकुर उपस्थित रहे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in